नमस्कार दोस्तों, शशि टू किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। अब नवरात्रि का त्यौहार चल रहा है और सब व्रत रखते ही हैं, इसलिए आज हम बनाने जा रहे हैं व्रत में खाने वाली आलू चाट, जो बहुत ही हेल्दी और टेस्टी भी है। ये देखिए, देखने में ही कितना टेस्टी लग रहा है, तो खाने में तो मज़ा ही आ जाएगा। आप इस चाट को एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। आप बाकी के दिनों में आपका मन खुद करेगा इसे बार बार बनाने का। तो चलिए बहुत ही टेस्टी व्रत वाला नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। सामग्री में हमने लिया है 4 उबले आलू, बारीक कटा हुआ टमाटर, थोड़ा सा कद्दूकस किया हुआ अदरक और एक हरी मिर्च, 5-5 लिए हैं काजू और बादाम, आधी चम्मच कुटी हुई काली मिर्च, आधा चम्मच सूखी धनिया, आधा चम्मच पुदीने का पाउडर, आधा चम्मच जीरे और थोड़ी सी हरी धनिया। अब हम आलू को थोड़े बड़े बड़े पीस में काट लेंगे। आप अपने हिसाब से छोटे बड़े काट सकते हैं। अब हम एक कढ़ाई लेंगे और उसमें 2 चम्मच घी डालेंगे और गैस को रखेंगे लो फ्लेम पर। 1 मिनट बाद हम काजू और बादाम को डाल देंगे। आपके पास है तो डाल दीजिए, नहीं तो मूंगफली का दाना भी डाल सकते हैं। इन्हें आप बिना काटे भी फ्राई कर सकते हैं, इसके बाद काट लीजिएगा। हम इन्हें 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे कि इनका बस कलर चेंज हो जाए। इनका कलर चेंज हो गया है, बस अब इन्हें हम निकाल लेते हैं। और हम इन्हें ज़्यादा देर तक नहीं भूनेंगे, नहीं तो इसमें कड़वापन आ जाता है, फिर खाने में अच्छा नहीं लगता है। अब इन्हें एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब कढ़ाई में घी थोड़ा बचा हुआ है, अब इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच जीरा और तड़कने देंगे। जीरा हमारा तड़कने लगा, अब हम डालेंगे इसमें हरी मिर्च। हमें आलू थोड़ी स्पाइसी पसंद है, इसलिए हम डाल रहे हैं, आप चाहें तो ना डालें। इसके तुरंत बाद हम डालेंगे अदरक। अदरक को हम बहुत ज़्यादा देर तक नहीं भूनेंगे, हमें तब तक भूनना है जब तक इसका कच्चापन ख़त्म ना हो जाए। अब हम डालेंगे अपने टमाटर और अच्छे से चला लेंगे। टमाटर अच्छे से पक जाएं तो हम डालेंगे इसमें बहुत थोड़ा सा सेंधा नमक। आप चाहें तो व्रत में नहीं खाते हैं तो आप मत डालिएगा। मैं अभी कम नमक डालना है क्योंकि आलू के साथ भी हमें नमक डालना है, तो आप अपने हिसाब से डालिएगा। टमाटर को अच्छे से चला लेते हैं। टमाटर को हम बहुत ज़्यादा नहीं भूनेंगे, थोड़ा क्रंची ही अच्छे लगते हैं। अब डाल देते हैं कटे हुए आलू और इसको भी चला देते हैं। अब हमें अच्छे से टेस्ट के लिए आलूओं को 5 से 6 मिनट तक धीमी आंच पर धीरे धीरे करके भूनना है। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आलू टूटने नहीं चाहिए। आलू को हमें तब तक भूनना है जब तक इसका कलर हल्का सा गोल्डन होने न लगे, तभी हमारी आलू का टेस्ट और बढ़ेगा। आलू हमारे भून चुके हैं। अब हम एक एक करके पुदीना, काली मिर्च और स्वाद अनुसार सेंधा नमक डाल देंगे और 2-3 मिनट तक भून लेंगे ताकि आलू में अच्छे से नमक चला जाए। और एक बार फिर चला लेते हैं। अब हम डालेंगे अपने काजू और बादाम। आप मूंगफली का इस्तेमाल करते हैं तो इस समय आप मूंगफली डाल दीजिएगा, क्योंकि हम आलूओं को अपने हेल्दी बना रहे हैं ना। देखिए, आलू हमारे बहुत अच्छी तरीके से भुन चुके हैं। अब गार्निश करने के लिए हम डाल देंगे इसमें कटी हुई हरी धनिया, इससे आलू चाट का फ्लेवर और बढ़ जाएगा। बस लीजिए, हमारी व्रत वाली टेस्टी आलू चाट बनकर तैयार है। गर्मा गर्म आलू चाट हम मीठी दही और टेस्टी नारियल के लड्डू के साथ सर्व करेंगे। आपको चाय के साथ पसंद हो तो आप वो भी कर सकते हैं। फिर तो ये चाट बनाना तो बनता है, तो आप घर में बनाकर जरूर ट्राई कीजिएगा, सच में बहुत अच्छा लगेगा। आपको आलू चाट की रेसिपी कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।